नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। अगर आपको भी इस तरह के गोल गोल मेदुवड़े बनाने नहीं आते तो चलिए ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बनाते हैं क्रिस्पी और टेस्टी मेदुवड़े। देखिए इस तरह के गोल गोल मेदुवड़े कैसे बनाते हैं, ये भी एक ट्रिक की बात है, तो वही ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी क्रिस्पी और गोल गोल मेदुवड़े की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी 3 कप उड़द की दाल, जो कि बिना छिलके वाली वाइट कलर की होती है, और इसी में हम डाल देंगे 3 छोटे चम्मच चावल। क्योंकि हमने 3 कप उड़द की दाल ली है तो 3 कप हम चावल लेंगे, और इसे हमें साफ पानी से 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 2.5 गिलास पानी, और इसे हम रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, या आप रात भर के लिए भी रख सकते हो। तो 7 से 8 घंटे के बाद हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह से भीग चुकी है। आप लोग देख सकते हो ये फूल के बिल्कुल डबल भी हो गई है। तो अब हमें इसे मिक्सर में स्मूथ पेस्ट होने तक ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते समय आप ज़्यादा पानी इसमें मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से हमारे जो मेदू वड़े हैं वो थोड़े से ऑयली हो सकते हैं। तो बिल्कुल कम से कम पानी का यूज़ कीजिए। तो ग्राइंड करने के बाद आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ऐसे स्मूथ इसकी पेस्ट हमें बनानी है। स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, क्योंकि वड़े इसी से हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में। हमें बड़ा बर्तन चाहिए, क्योंकि बाद में हमें इसे फेंटना है, तो आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सारी दाल को ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इस दाल को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें एयर बबल्स क्रिएट हो और हमारे वड़े बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो इसीलिए आपके हाथ की अच्छे से एक्सरसाइज भी होने वाली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस ग्राइंड की हुई दाल में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए करी पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक, 1/2 छोटी चम्मच हींग, और 1 छोटी चम्मच जीरा, और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो चलिए ये बैटर बिल्कुल वड़े बनाने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट मेथड, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आपको गीले हाथ से ये बैटर हाथ में गोल शेप में लेकर इसे बीच में होल करके वड़ा बनाना है। ये वड़े तो फर्स्ट मेथड से बन गए, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड मेथड, जो बिल्कुल एक सीक्रेट मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको लेनी है एक स्टील की कटोरी, उसे आपको कॉटन के किसी भी कपड़े में आप उसे रैप कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 2 मिनट के बाद। तो उसे रैप करने के बाद आप वड़े का बैटर लेके कटोरी के ऊपर गोल शेप में बीच में उसके होल करके ये वड़ा आसानी से गोल शेप में बनाकर कढ़ाई में आराम से डाल सकते हो। आपके हाथ भी जलने का यहाँ पर टेंशन नहीं है। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, जब आप दूसरा वड़ा बनाओगे तो फिर से आपको थोड़ा सा पानी उसके ऊपर लगाना है, और फिर से आपको, आप लोग देखिए कितना आसान तरीका है। इससे आपके वड़े बिल्कुल परफेक्ट और गोल शेप के बनेंगे। है ना बिल्कुल आसान तरीका? और मुझे पता है कि ये तरीका आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा, और हमारे वड़े बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। तो हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए हमारे मेदू वड़े फ्राई होकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप लोग देख सकते हो इसे कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो इस बारिश के मौसम में ये वड़े बनाना तो ज़रूर बनता है। तो मैंने यहाँ पे सारे वड़े फ्राई कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हो कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, और
टमाटर उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। मैं आपको इसका क्रिस्प दिखाना चाहूँगी। देखिए देखिए, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। बिल्कुल अंदर से ये स्पॉन्ज की तरह लग रहे हैं, और जब हम इसे सांबर के साथ खाएंगे तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और इस बारिश के मौसम में ये वड़े ज़रूर बनाइए। और हाँ, मेरे बाकी के वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने वहाँ पे सारे लिंक्स दे दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।